पाली के देसुरी में तीसरी बार टिड्डी दल ने हमला किया है। सिंदरली, मोरखा और सरथूर में टिड्डी दल ने हमला किया है। टिड्डी दल के आने से किसान परेशान है। किसानों ने थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि टिड्डी दल के हमले से किसानों की नींद उड़ गई है। टिड्डी दल ने तीसरी बार इलाके में हमला किया है। देसुरी इलाके में टिड्डियों का हमला देखने को मिला है, जिससे किसान परेशान नजर आए हैं। किसानों ने टिड्डियों को भगाने के लिए जतन किया है। थाली बजाकर, आग जलाकर टिड्डियों को भगाने के प्रयास में किसान जुटे हुए हैं। देसुरी इलाके में टिड्डी का तीसरी बार हमला देखने को मिला है। किसानों ने थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया है। पाली जिले के देसुरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टिड्डियों के हमले से किसान परेशान है। सिंदरली, मोरखा, सरथूर आदि इलाकों में टिड्डियों का हमला देखने को मिला है। फसलों को चट कर रही हैं टिड्डियां और किसान परेशान है। किसान टिड्डियों को भगाने के लिए जतन कर रहे हैं। देसुरी में टिड्डी दल का हमला देखने को मिला है। तीसरी बार इलाके में टिड्डियों के दल ने हमला किया है। किसानों की फसलों को टिड्डियों ने भारी नुकसान पहुंचाया है। किसान चिंतित है। किसानों ने टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया है। पाली जिले में देसुरु इलाके में तीसरी बार टिड्डी दल का हमला देखने को मिला है। टिड्डी दल ने किसानों की फसलों को चट किया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भवानी सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी भवानी, क्या कुछ अपडेट है? टिड्डी दल का तीसरी बार हमला देखने को मिला है। हाँ आशीष, टिड्डी दल रात को कल 6-7 बजे लाखों करोड़ों की तादाद में टिड्डी दल आया इस क्षेत्र में। रात भर काणा दुदाबुरा के जंगलों में छाया रहा। सुबह लोगों ने थाली मटके वगैरह बजा बजे के उसको उड़ाया, लेकिन काफी नुकसान करके चला गया वो। जी कौन कौन सी फसलें हैं जिनको नुकसान पहुंचा रहा है टिड्डी दल? सर अभी फसलें तो ये जानवरों के खाने के लिए है, प्लस सब्जी बोई हुई है किसानों की, वो सब्जी को नुकसान हो रहा है। जी ज्यादातर तो सब्जी पर नुकसान हो रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता भवानी सिंह, जिन्होंने अपडेट दी। सब्जियों को नुकसान है, तो वहीं पशुओं के लिए चारे की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है टिड्डियों ने।